पिताजी एक वो इंसान है जो आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगते, लेकिन वो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, आपको खुश रखने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। पिता के प्यार का कोई मोल नहीं है, इवन माँ बाप के प्यार का कोई भी मोल नहीं है। इसी के साथ आई विश माई लविंग फादर एंड माई फादर इन लॉ अ वेरी हैप्पी फादर्स डे। तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को इस मुकाम तक पहुँचाया है, इस लेवल तक पहुँचाया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा रह सकूँ। आज जो भी मैं हूँ उसमें मेरे पिताजी का बहुत बड़ा रोल है। माँ का भी रोल होता है, माँ हमें पालती है, माँ हमें 9 महीने पेट में रखती है, लेकिन जो एक अच्छा इंसान बनाना होता है, जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करना होता है, उसमें पिता का रोल सबसे अहम होता है। देखो, पिता का जो प्यार है वो कभी भी सामने दिखता नहीं है, लेकिन इंटरनली फादर का जो लव होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। माँ तो फिर भी आपको लव यू बोल देती है, आपको गले लगा लेती है, लेकिन एक पिता कभी भी अपने बच्चे को आई लव यू नहीं बोलता। वो थोड़ा सा, देखो फादर का क्या देखा जाता है, थोड़ा सा फादर स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरनली वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मैं हमेशा ये चाहूँगा कि मेरे पिताजी हमेशा खुश रहें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दिल से मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि उन्होंने मेरे को जो इस लेवल तक पहुँचाया है, जो मेरी ज़रूरतों को पूरा किया है, उसके लिए तहे दिल से हाथ जोड़ के मैं उनसे थैंक यू बोलना चाहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर अपने पापा के पास जाएंगे, अपने पापा के चरणों को स्पर्श करेंगे और उन्हें गले लगाएंगे और एक बार उनको थैंक यू ज़रूर बोलेंगे। कि थैंक यू ये बोलेंगे कि पिताजी, जो आज आप मेरे को दे रहे हो या जो आपने मेरे को अभी तक दिया है, उसमें सबसे बड़ा रोल आपका है, तो मैं तहे दिल से आपको उसमें शुक्रिया अदा देना चाहूँगा। देखिए, कुछ बच्चे हैं जिनके फादर नहीं भी होंगे, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अगर जिनके फादर नहीं भी है तो सर आप अपनी एक बार फादर की फ़ोटो को देखिएगा और फादर की फ़ोटो को देख के एक बार आँखों में आँखें मिलाकर सिर्फ तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करिएगा कि मैं इस समय हूँ तो सिर्फ आपकी बदौलत हूँ, आपके प्यार की बदौलत हूँ। ठीक है जी। देखिए, जो एक फादर होता है ना, एक पिता होता है, वो पूरे दिन मेहनत करता है, वो अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरे दिन मेहनत करता है। एक पिता कभी भी आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकता, आपकी ज़रूरतों को सबसे पहले पूरा करता है। अगर आज आपको 100 रुपये चाहिए होंगे ना, तो पिता पूरी कोशिश करेगा कि वो आपको 200 रुपये दे, बोलेगा नहीं, लेकिन वो हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको 200 रुपये दें, लेकिन अपने हिसाब से, अपनी लिमिट के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 100 तो नहीं, वो कम से कम आपको 150 रुपये ज़रूर देगा। आप आजमा के देख लीजिएगा ये चीज़। देखिए, हमें क्या होता है, हमें ना फादर की इतनी इंपॉर्टेंस पता नहीं लग पाती, वो आपको तब पता लगेगी जब आप खुद एक फादर बन जाएंगे, खुद एक पिता बन जाएंगे। आज मैं एक पिता बन गया तो मुझे पता चल रहा है कि पिता की क्या वैल्यू होती है, पिता की क्या इंपॉर्टेंस होती है। मेरे बेटे को जरा सी भी कोई तकलीफ होती है तो सर मेरी, कहते ना, मेरे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं, मेरी धड़कन कांपने लग जाती है, फटाफट बस यही मन में आता है कि जैसे भी करके इस बच्चे की तकलीफ दूर हो जाए। सेम गोज फॉर योर फादर ऑल्सो। आपको जरा सी भी तकलीफ होती है ना, पिताजी आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके मन में हमेशा यही होता है कि मेरे बच्चे की तकलीफ दूर हो जाए। वो पूरी कोशिश कर देते हैं आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए। इसलिए बोला जाता है कि पिता का प्यार सामने नहीं दिखता, लेकिन अंदर से उनका बहुत ही गहरा प्यार होता है अपने बच्चे के साथ। हाँ जी, सो फादर लव कैन नेवर बी एंड, फादर का लव हमेशा बना रहेगा। ठीक है जी, चलिए फिर इसी के साथ हैप्पी फादर्स डे टू माई लविंग फादर। और मैं आशा करूँगा कि आप ज़रूर अपने पापा के पास जाएंगे और उनसे गले लगेंगे और उनको दिल से एक बार थैंक यू बोलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।